नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो लास्ट मंथ जब मैंने काफी सारा होम डेकोर हॉल किया था तो आई गॉट नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कि आप कुर्ते वियर जो थोड़े अफोर्डेबल भी हों उसके ऊपर शॉपिंग हॉल बनाइए, बिकॉज अभी फेस्टिव सीजन बैक टू बैक आने वाला है, नवरात्रि आने वाले हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। सो आई थॉट टू बाय ये फेस्टिव वियर कुर्ताज नहीं है, ये डे टू डे वियर वाले जो कुर्ता है ना वैसे हैं। लेट अस गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट प्रोडक्ट। कुर्ता स्टार्ट करने से पहले सबसे फर्स्ट चीज जो मैं आपको बताती हूँ वो है ये। सो बेसिकली दिस इज अ जीन्स एंड ये कैसे पैटर्न में है? ये दिस इज इन अ बूटकट स्टाइल, बूटकट भी नहीं बोलूंगी, फ्लेयर्ड स्टाइल में है इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो ये फ्लेयर्ड पैटर्न का जीन्स है। अमेजिंग कंफर्टेबल है, मतलब आप चाहें तो इसको डे टू डे लाइफ में कुर्ते के ऊपर पहन सकते हैं या आप नॉर्मल टी शर्ट पहन करके इसको पहन सकते हैं। ये इतनी कंफर्टेबल है कि लगी नहीं रही कि ये जीन्स है। इट इज लाइक अ बिल्कुल पतला वाला जो जीन्स नहीं होता है जिसको आप पहन करके बैठ सकते हो, उठ सकते हो, नाच सकते हो, सब कर सकते हो, ये वैसा है। तो यहाँ से इसमें देखिए काफी अच्छी हेमिंग दिया हुआ है। तो ये जो मैंने साइज मंगवाया था ये 28 मंगवाया है, बट मुझे, मैं आपको पहन के दिखाऊंगी तो और अच्छे समझ में आएगा, मुझे तो ये बहुत अच्छा आया ही आया है। साथ में मेरी मम्मी ने ट्राई किया तो उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था ये। तो मेरी मम्मी बोल रही थी कि उनके लिए भी मैं एक मंगवा दूँ, बट मैंने बोला मुझे नहीं पता मैं कितना पहनूंगी, मैं एक या दो बार पहनूंगी तो उसको आप ही रख लो, मुझे पहनना होगा तो मैं ले लूंगी आपसे। तो ये है, यहाँ से इसको टाइट करने के लिए ये दिया हुआ है। आई विश ये बिल्कुल ब्लू कलर का होता क्योंकि एकदम व्हाइट कलर का नाड़े के स्टाइल में दे दिया है। सो ये अगर ब्लू कलर का होता तो ये और अच्छा लगता। एंड आई थिंक 500 से कम के प्राइस में इतना अच्छा क्वालिटी का जीन्स मिलना इज अ डील, वो भी काफी स्टाइलिश है। तो ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट। बाकी सारे अभी कुर्ते हैं, ये भी आप कुर्ते के नीचे पहन सकते हो, बट इसको हम कुर्ते में इंक्लूड नहीं करेंगे। वैसे नाउ जो सेकंड प्रोडक्ट है, ये जितने भी मैंने सूट्स मंगवाए हैं उसमें वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट है, इसको मैं ही रखने वाली हूँ। मतलब मैंने कैसे मंगवाया है, मंगवा बहुत सारा लिया है, कुछ मेरी मम्मी रखेंगी, कुछ मैं रखूंगी, कुछ हम गिफ्ट भी कर सकते हैं, तो ऐसा मंगवा करके रखा हुआ है। बट ये वाला पर्टिकुलरली मैं रखने वाली हूँ बिकॉज इसका कॉम्बिनेशन इतना ब्यूटीफुल है। मुझे यूजुअली मरून कलर बहुत पसंद है, जो डार्क मरून और रेडिश का हिंट होता है ना जिसमें, वो मुझे बहुत पसंद है। तो ये है इसका कुर्ता। डेफिनेटली कुर्ते के साइज जो है वो लूज है, मुझे ऑल्टर कराना ही कराना पड़ेगा, बट आई रियली लाइक द फैब्रिक। बिल्कुल प्योर कॉटन फैब्रिक है ये, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। पहले हम एक बार इसको वॉश करेंगे सो दैट इसमें अगर श्रिंक होना होगा तो ये श्रिंक हो जाएगा, एंड नहीं होना होगा तो फिर वैसा। तो यहाँ पर डिटेलिंग दिया हुआ है देखिए इस तरह से, बहुत मतलब आई रियली लाइक दिस। अब इसका बॉटम पार्ट आपको दिखाती हूँ मैं। तो इसके जो बॉटम्स है वो है ये स्कर्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल सी मरून कलर की स्कर्ट है। जब ये साथ में पहनने के दिखाऊंगी मैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा आई एम श्योर। तो ये देखिए आपको कॉम्बिनेशन कितना सुंदर लग रहा है। तो ऐसे फेस्टिव में बिना दुपट्टे वाले सूट जनरली काफी हैंडी होते हैं, आप काम कर सकते हो पहन करके। तो नवरात्रि में या करवा चौथ वाले दिन या फिर दिवाली के दिन में किसी ना किसी दिन आपको ये पहनी हुई जरूर दिखूंगी, या दशहरा के दिन, और ये बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं आई गेस, तो उनमें से किसी ना किसी दिन में आपको ये पहनी हुई जरूर दिखूंगी। ये दो प्रोडक्ट्स हैं, ये दोनों साथ में आए हैं एंड अभी तक मैंने इसको ओपन करके नहीं देखा है तो मैं आपको इसको ओपन करके बताती हूँ। मतलब ये आज ही मेरे पास आए हैं। तो एक तो ये कुर्ता है जो कि रेड कलर में है। आई रियली डोंट लाइक द फैब्रिक ऑफ दिस कुर्ता फॉर श्योर, मतलब मुझे जो इसका फील है ना वो पसंद नहीं आया है। एंड ये स्मॉल साइज में है, रेड एंड येलो कलर के प्रिंट्स में है, तो बहुत पसंद मुझे नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली मैं इसको रखने नहीं वाली हूँ, बट हाँ इसका जो प्राइस है वो है 563। तो अगर आप येलो कलर के प्लाजो में या पैंट में स्टाइल करोगे तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा, बट मुझे ना वो जो फील होता है कुर्ते का वो मुझे बहुत सॉफ्ट चाहिए होता है, और पॉलिएस्टर मिक्स्ड मटेरियल मुझे पसंद नहीं आता इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो आपको। तो ये है इसका फर्स्ट कुर्ता। एंड सेकेंड जो आया है वो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, ये कपड़ा फिर भी बेटर है, बेटर देन दैट वन। नेक्स्ट जो है वो है ये ब्लू कुर्ता, अगेन सेम प्रिंट ही है इसका एंड सेम पैटर्न है। सो मतलब अच्छा है बट मेरे चॉइस का नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी इसको बहुत अच्छा होगा, कलर बहुत प्यारा होगा एंड ऐसा सॉफ्ट सा कपड़ा होगा, बट ये डेफिनेटली वैसा नहीं है। सो आई डोंट नो, आई माइट बी रिटर्न इट एज वेल। ये एक ऐसा पीस है जो मुझे बहुत पसंद नहीं आया है टू बी वेरी ऑनेस्ट।
ये जितने भी कपड़े मैंने मंगवाए हैं ये मैंने मीशो से मंगवाए हैं। सो मैं जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता देती हूँ कि मीशो इंडिया की नंबर वन ऑनलाइन रीसेलिंग ऐप है। यहाँ पर आप घर पे बैठ करके जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते हैं तो आप शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे मैं शॉपिंग कर रही हूँ। मैं इसमें से कोई बिजनेस नहीं करती हूँ, मैं अपने खुद के लिए शॉपिंग कर लेती हूँ। अब ये करता क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप सबसे पहले तो उसको क्लिक करिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, दो मिनट लीजिए कि एक्चुअली में इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। काफी सारे इसमें प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे अच्छे होम डेकोर के आइटम्स हैं जो मैंने लास्ट मंथ काफी सारा इंक्लूड कर दिया था ऑलरेडी। तो काफी सारे होम डेकोर के आइटम्स हैं, घर के सामान हैं, एसेंशियल्स हैं, कपड़े हैं, फुटवेयर है, मेकअप है, काफी सारी चीजें इसमें अवेलेबल हैं। तो आप जो भी आपको पसंद आता है या तो आप वो खुद खरीद सकते हैं या आप उसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मार्जिन ऐड करेंगे तो जो मार्जिन आप ऐड करेंगे वही आपका एक्स्ट्रा मार्जिन आप ऐड करेंगे वो आपकी इनकम होती है। तो इस तरह से आप घर पे बैठ करके एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो मंगवाई है ये कुर्ती। मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा था, पेस्टल सा कलर है, पेस्टल कलर्स है इसमें एंड कॉटन की कुर्ती है अगेन ये, एंड बहुत प्यारी लग रही थी ये। ये देखिए ये इस तरह से है। हाँ बट द प्रॉब्लम इज कि इसका साइज बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ये उस जिससे मैंने ये मंगवाया है उसमें ये एम साइज ही अवेलेबल था। काफी ब्यूटीफुल सी कुर्ती है, प्यारा सा पेस्टल कलर है इसमें एंड ये हम लोगों ने गिफ्ट करने के पर्पज से मंगवाई है। इसमें देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से ऐसे छोटे छोटे से क्रिस्टल्स लगे हुए हैं, बहुत प्यारा सा यू नो फ्री कलर, बहुत प्यारा सा कलर है, पहनने में बहुत स्मार्ट लगेगी ये। यहाँ पर स्टैंड कॉलर है, सो दिस इज इन द एम साइज। आई होप कि इसमें एस होता तो मैं अपने लिए भी जरूर मंगवाती, बट इसमें एस अवेलेबल नहीं था। पीस कॉटन का कपड़ा है, कपड़ा बहुत अच्छा है इसका, अभी वॉश करने के बाद क्या होगा वो आगे के वीडियोस में रिव्यू में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो कुर्ती मैंने मंगवाई है वो है ये है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती है ये, बहुत पेस्टल ग्रीन कलर है आप देखिए, और यहाँ पर हल्का हल्का सा वर्क दिया हुआ है। इसका स्लीव्स का पैटर्न बहुत अच्छा है, काफी इंटरेस्टिंग सा है, जो मीडियम लेंथ होती है वो है। स्टैंड कॉलर है एंड एम साइज में है, मतलब 38 साइज में है। बहुत प्यारी लगेगी व्हाइट प्लाजो के ऊपर, बहुत बहुत स्मार्ट लगेगी ये, इवन पैंट के ऊपर भी बहुत अच्छी लगेगी। तो ये मैं भी कैरी कर सकती हूँ, साइज ठीक है ये, और मम्मी भी कैरी कर सकती है। हम लोगों को ऑलमोस्ट एक साइज हमारा, मतलब मैं 34 पहनती हूँ, मेरी मम्मी 36 पहनती है, हम लोग का सिर्फ एक नंबर से डिफरेंस है। तो ये मैं पहन सकती हूँ लूज पैटर्न में, बट मुझे थोड़ा ऑल्टर करवाना पड़ेगा, बट मम्मी को बहुत अच्छा बना है तो ये ऑब्वियसली वो रखने वाली है। तो ये है नेक्स्ट कुर्ती, मैं इसको फिर भी आपको पहन करके दिखा दूंगी सो दैट आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये कैसी लग रही है। नेक्स्ट जो कुर्ती है वो है ब्लैक कलर में एंड मुझे इससे काफी हाई एक्सपेक्टेशंस है कि ये शायद अच्छी आई होगी, लेट्स सी कि कैसा आया है। तो लक तो मुझे काफी ठीक रही है कि सो ये है वो कुर्ती एंड नेट का पूरा अपर पोर्शन जो है वो नेट का है। और ये जो कपड़ा है ये मुझे नहीं पता ये क्या कपड़ा है, ये विस्कस मिक्स कुछ कपड़ा लग रहा है। तो ये मैंने नेक्स्ट मंगवाया हुआ है एंड इसका प्राइस मैं यहाँ पर लिख दूंगी, मुझे याद नहीं है कि इसका प्राइस कितना है। आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।